तो गाइस देखे हम लाहौर आ गए। हाफ साहब ने पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया है। हाफ साहब कहाँ आ गए हो? हाँ जी जी, हम लाहौर पहुंच चुके हैं। ये हमारी समझ ले के BMW। अबर साहब ने मेरे लोर का कहा था, पता नहीं ये कहाँ पे खेतों की तरफ ले गए। ये देखिए इधर, ये भाई से पूछते हैं ये कौन सा एरिया, ये आ जाइए भाई से पूछते हैं। भाई से पूछो, ये अब्दुल मालिक है। अब्दुल मालिक और इसका नाम है कुछ। गाइस भाई की बात सुन ली। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं लाहौर। मेरे कजिन ने कुछ सामान लाना था तो ये कह रहा था कि यार लाहौर जाना है। प्लान किया कि चलो लाहौर चले जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम आए हैं यहाँ पर ननकाना आगे। ये अभी भाई से ना पकौड़े वगैरह खाने लगे। पकौड़े समोसे नाश्ता पॉइंट। ओके, ये मेरे कजिन है। वालेकुम, कैसे है गाइस? गाइस आज माशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं भाई के साथ। और ननकाना इस वक्त पहुँच गए हैं, कोरे गरम करवा लिए, खाने हैं तो बताया कमेंट में। फिर मिलते हैं लाहौर जाके आपसे। गाइज यार हमने ना स्टे किया है, ये कानून नहर रास्ते में आती थी, यहाँ पे हमने स्टे किया है। चेक करें जरा यार, बड़ा मजा आ रहा है सफर का। बाइक पर हम आए ये देखें के कितना VIP व्यू है। अब यार दो तीन अपनी फोटो पे लेना क्लिक करूंगा यहाँ पे अच्छी वाली। ये देखे ना व्यू बड़ा हैवी है कि मैं चस आ गई आज भाई सफर पे। इसने लोह ले गया है पूरा मुझे ना बाइक पर। हमारी बाइक हमने रोड पर ही खड़ी कर दी है। ये देखिए भाई जान, ये डरता हुआ करीब नहीं आ रहा, कहता गिर ना जाऊँ। इसकी बात चेक करें, ये देखे पानी भी नहीं है, पूरी नहर अभी बड़ी नहर है, कलूनी नहर। ओ नहीं, जगह कौन सी है? कलूनी नहर कहते हैं। कलूनी नहर अभी आ गई है। अभी लाहौर हम पहुंचे नहीं है, शेखुपुरे अभी आए हैं फिलहाल। अभी हमने आगे और जाना है लाहौर। अभी जाना है बाइक पर, खज्जल खराब हो रहे। नहीं नहीं बिल्कुल सही आ रहे, मजा आ रहा है बाइक पर। पहली दफा मैं जा रहा हूँ लाहौर। इधर पास आ जाओ, इधर बिना कहना मैंने इधर आ जाओ भाई। यार ये डर रहा है इस वक्त भाई, डर नहीं रहा मुझे। ये कोई पानी नहीं है, यकीन माने पानी। आपको पता है इन दिनों में पानी होता ही नहीं है नहरों में, तो पानी है ही नहीं इसमें भाई। मुझे डर लगता है, अच्छी बात है भाई, डरना चाहिए बिल्ला ना ना भाई यार, ऐसा मजा नहीं करना। तो गाइस हम बिल्ला रास्ते में अभी जाते हैं लाहौर। यार अभी आ ही ना, लाहौर दूर ही रह गया काफ़ी। चलो गाइस देखे हम लाहौर आ गए। हाफ साहब ने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। हाफ साहब कहाँ आ गए हो? हाँ जी जी, हम लाहौर पहुंच चुके हैं। ये हमारी समझ ले के BMW। हाँ भाई साहब ने मेरे लाहौर का कहा था, पता नहीं ये कहाँ पे खेतों की तरफ ले गए। ये देखिए इधर, ये भाई से पूछते हैं ये कौन सा एरिया, ये आ जाइए भाई से पूछते हैं। भाई से पूछो, ये पता नहीं इसने लाहौर का कहा था तो मैं कब का लाहौर का वेट कर रहा हूँ। लाहौर फिलहाल कोई नहीं आया। लाहौर आ गया भाई, आ गया। पता क्या नाम क्या है जी भाई? अब्दुल मालिक है। अब्दुल मालिक और इसका नाम है। गाइस भाई की बात सुन ली। इसे कहते हैं कोट कोट अब्दुल मालिक। फजलपुरा जवे टाउन, साज जवे टाउन उधर है ना, वो जवे टाउन है। जवे टाउन है जिधर से ट्राली आ रही है। ठीक ठीक सही हो गया। ये सामने पेड़ कहते हैं इसको, लेला। लेला इलाके का नाम है। सही हो गया, बड़े अजीबो गरीब नाम है भाई। पहले मिलते हैं, हम घर जाने लगे आराम करते हैं। आराम करने के बाद फिर जहाँ जाएंगे ना घूमने फिरने, आपको दिखाएंगे उसका व्यू भी। चलते हैं घर। तो गाइज हम फ्रेश होके ना अब आ गए दाता साहब के दरबार पर आए हैं। सबसे पहले आपको मैंने वैल्यू बताया, जब भी आते हैं लाहौर दाता साहब के दरबार पर सबसे पहले हाजिरी करते हैं। तो यार आप लोग भी खुश नसीब हो कि आप लोगों को नज़ारा करवा देते हैं दाता साहब का। तो ये देखिए हम फिलहाल तो आ गए हैं, अब दुआ करते हैं अंदर जाकर। तो साथ व्यास भाई भी। सलाम अलैकुम, कैसे हैं? क्या कहने, सब अल्लाह सबको तौफीक दे आने की यहाँ पे। सही है, बहुत सुकून है। जिसको जो कहता है ना बंदा कि मेरे पास मुझे सुकून नहीं मिल रहा या कल भी सुकून नहीं है, वो इधर आए और आकर लाजमी यहाँ पे हाजिर। बिल्कुल, चलो अब चलते हैं गाइस, हम अंदर जाते हैं, दुआ करता हूँ, उसके बाद हमने जाना है। अभी जाएंगे हम यादगार, यादगार या बादशाही मस्जिद देखेंगे, अगर जा हुआ तो चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशी हुई सलमान भाई आपसे और आपके दोस्त जो हैं उनसे मुलाकात करके। यकीनन दाता की नगरी लाहौर जो है जिंदा दिलाने शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ दाता की नगरी है। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह
का शुमार ऐसे सूफिया में, ऐसे औलिया में, बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और लाहौर जो कायम व दायम है, इसमें मैं समझता हूँ कि दाता की खुशबू और दाता की जो ये रोज़ा मुबारक है, उसकी बदौलत जो है ये लाहौर के अंदर हर तरफ चार सौ खुशबुएँ हैं। और बड़ी खुशी होती है कि जब भी कभी भी मौका मिलता है तो यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, फिर यहाँ पर हाजिरी देते हैं, दुआ करते हैं। दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, नमाज़ भी अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, लेकिन यहाँ आकर बड़ी एक राहत मिलती है, बड़ा सुकून, बहुत खुशी होती है। तो गाइस हमने सलाम कर लिया, मैंने दुआ भी मांग ली है व्यास भाई ने, भी नमाज भी हमने पढ़ ली थी। तो अब हम जा रहे हैं वापस, अब देखते हैं कि अगर बादशाही मस्जिद जा हुआ तो वहाँ पर चले जाएंगे या यादगार चले जाएंगे, दिखाते हैं अगर जहाँ जाना हुआ है व्यास भाई जी। इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। अब दिखाएंगे में ना आपको पता ट्रैफिक लाहौर की, ट्रैफिक बड़ी लाहौर में भाई। तो इंशाल्लाह अभी हम निकलने लगे, दादा साहब सलाम कर लिया, तो आप भी आया करें यार यहाँ पे अपनी है ना दुआते, अपनी खुशियों का इजहार किया। आपके लिए मैंने दुआ मांगी है, बस आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक हो गया। तो गाइज उसमें आप गए हैं बादशाह मस्जिद, तो भाई वो कह रहे थे 5 बजे तक एंट्री होती है, कोई नहीं जाने देना आपको, उन्होंने वापस भेज दिया, सारी आवाम वापस आ रही है। तो यादगार हम फिलहाल ये देखें, ये यादगार है और यहाँ की आवाम ये देखें, और लोहरिए पता नहीं कितने वेले हैं हाफज भाई है ना, अभी घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे, लोहरिए वेले लिए। तो हम वापस जा रहे हैं, जड़ा वाला सामान वगैरह जो भाई ने लेना था वो ले लिया हमने सारा, तो अब जा रहे हैं जड़ा वाला। और भाई ये आपके लिए लाहौर है, आपके लिए दुआ की दादा साहब दरबार से स्पेशली, तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, नहीं तो आपकी मेरी जाएंगे भाई। तो ओके, मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो पर। ओके अल्लाह हाफिज़।